मुझे नींद आ रही है, पहले मैं सो लेता हूँ या फिर उठ के लिखूंगा। सुहेर इज द सिकल सावनम और ये रही कनक। ऑलराइट, हेलो सावनम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल द हाल वाला व्लॉग्स। तो कैसे आप सब लोग, आई होप कि सभी खुश मस्त व्लॉग ना व्लॉग ना YouTube पे। पर अपनी शक्ल देखी क्या मुटा ये सर पर वीडियो बना रहा है चिकन। तो ये तो ये ए शाबाश है, ऐसा तो ना फिर वीडियो बना रहा पता भी लगना। अब तो तसीर कोई सब मर रहे हैं, पानी ठंडा ही ना, पानी ठंडा है, गर्म नहीं हो सकना क्या? करंट पे नहीं, करंट निका काके नहीं, तू काका नहीं, डाल के फुटा है मैं जल्दी कर सकते, लोग वेट कर लेनी वीडियो से। अंत होता लोग ही हमें बाइलर लगाई थी, हम कह रहा है आए आए बहुत ठंडा ही पानी। तो अभी हम हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो चुके हैं और इस टाइम हो रहा है एक बजे मैं फ्रेश हो रहा हूँ, बस देख लो क्या टाइम टेबल है। इसीलिए तो व्लॉग नहीं आते यार, व्लॉग बनाने के लिए बंदे को सुबह जल्दी उठना पड़ता है और सुबह उठ के आराम से व्लॉग शुरू करना पड़ता है फ्रेश वगैरह होके, और मैं इस टाइम मुंह धो रहा हूँ 1 बजे। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कैसे व्लॉग बने यार। तो थोड़ा मेरी लाइफ जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम्स में चल रही है, बस आप दुआ करो कि सब कुछ रिकवर हो जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी मैं लेले चुराने के लिए आया हुआ था, उधर से ये रूफी भाई आए, इनकी वीडियो बनानी थी एक रील, तो इसलिए मैंने भी व्लॉग शुरू कर दिया कि पहले मैं अकेला था, मुझे बन नहीं रहा था, बट अब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, अब मैं बना रहा हूँ। और साथ में मेरे लेले आप देख सकते हैं थोड़े मतलब मैले कुचाले हुए हैं, विकास बहुत टाइम से मैंने इनको धोया नहीं क्योंकि सर्दी थी और पापा यहाँ पे नहीं थे, ऐसे में इनको नहलाऊँ और बाद में कोई स्यापा पड़ जाए इसलिए मैं इनको नहीं नहलाया। बट अगर आप इस वीडियो पर 1K लाइक्स करा दोगे ना तो कल मैं इनको धो दूंगा यार, जो मर्जी हो वो मैं देख लूँगा, बस 1K लाइक्स आप करा दो। तो सभी अपनी तरफ से एक लाइक कर दो। तो अभी हम आगे चलते हैं, इनकी रील बनाते हैं और साथ में लेले भी चलाते हैं, फिर चलेंगे हम घर और उससे आगे देखेंगे क्या क्या होता है, बस आप इस सफर में जुड़े रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो अभी हमें कुछ ऐसी लोकेशन पर, यहाँ पे हम आए थे रील्स बनाने के लिए, इसकी 2 रील्स मैंने बनाई है, कोई पता नहीं कैसी बनी है, इसकी आईडी पे देख लेना, आईडी है इसकी RoofyMalik07 इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे देख लेना कैसी बनी है रील। और भी आप क्या कहना चाहते हो हमारे ब्लॉग में, और वो मैं लेले बांधे में ये लोगों के खेत हैं, किसी ने आके मेरे दांत तोड़ते नहीं यार सच्ची में, बट क्या करूँ इनका भी तो पेट है ना बेचारों का, पालना पड़ता है ना, भूखे होते हैं क्या कर। आप क्या कहना चाहते हो हमारे ब्लॉग के बारे में? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, तू जा सही जा। तो ये रहे मेरे लेले जिनको कोई काम नहीं है, बस खाने का काम है इनका और रहने का काम है, बाकी कोई मेहनत वगैरह नहीं करनी पड़ती इनको, मेहनत सारी मैं करता हूँ, बट वायरल ये हो जाते हैं यार। क्या मुझसे ज़्यादा फ़ैन इनके हैं, मतलब आप खुद कमेंट में बताओ आप मेरे फ़ैन हो या मेरे लेले के फ़ैन हो बताओ। तो फिलहाल हम यहाँ पर खज्जल ही हो रहे हैं, ना हमारा फोटो सही से बन रहा और ना ही वीडियो, बिकॉज यहाँ पर धूप है ना, और धूप में जो लाइट ज़्यादा पड़ जाती है मुँह पे। अब हमारे पास फ़ोन है सिंपल सा, हम उससे क्या ही कर सकते हैं, कोई आईफोन तो है नहीं कि सही से बनेगी वीडियो है, तो वीडियो भी ख़राब हो रही है और फोटो भी साथ में ये व्लॉग भी। बट जैसा भी आप सपोर्ट करते रहना, और आज का दिन थोड़ा सही गुजरा कल वाले से, ये यहाँ पे रील्स वगैरह देख रहा है तो मुझे व्लॉग बनाने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है, तो अभी इसका काम कर लेते हैं और फिर अपना करेंगे। बाकी तुम मुझे कमेंट करके बता देना कि जो हम गेमिंग चैनल लॉन्च करेंगे उस पर हम किस गेम की गेमिंग करें, मतलब पबजी खेलें या फिर हम फ्री फायर खेलें, बिकॉज बहुत सारे लोग बोल रहे थे फ्री फायर खेलो, बहुत बोल रहे हैं कि पबजी खेलो, तो आप कमेंट में बताओ ज़्यादा कमेंट्स जिस गेम के लिए आएंगे वही खेलेंगे, बिकॉज मुझे कोई भी नहीं आती, ना मुझे फ्री फायर आती ना ही मुझे पबजी आती, तो जो जिसके लिए ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं वही सीखूंगा और वही खेलूंगा। तो चले कमेंट करें ठीक है। तो यार 2 बजने को आए बट अभी तक मैं यहीं पर हूँ, आप देख सकते हैं मेरा दिन यहीं पर ख़त्म हो रहा है, इसलिए मैं व्लॉग्स नहीं बनाता क्योंकि बंदा फ्री होना चाहिए ताकि इधर उधर घूमे इधर उधर की दुनिया बताए, लेकिन मैं आपको यही दिखा सकता हूँ अपने खेत लेले वगैरह सब देसी चीज़ें दिखा सकता हूँ, बट फिर भी आपका मतलब थैंक्स है कि आप अभी तक साथ ही हो, तो साथ ही होने चाहिए यार जितने भी लोग हो, 10 हो 20 हो जितने भी हो, लव यू ऑल। और आप ही हो जिसकी वजह से चैनल यहाँ तक पहुँचा, और आज 7K भी होने वाले हैं, तो सभी सब्सक्राइब का बटन दबा दो ताकि 7K जल्दी से जल्दी हूँ, बिकॉज हमारा फेवरेट नंबर है 7, और 7K की बहुत खुशी है और बहुत इंतज़ार है मुझे, तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो। और जो हमारा दूसरा चैनल है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसे भी सब्सक्राइब कर देना। और बाकी गेमिंग का तो अभी लॉन्च ही नहीं किया, वो आराम से करेंगे कभी जब मतलब पूरा फ्री हो जाऊंगा, और साथ में कोशिश करूंगा नया फ़ोन लूं क्योंकि इसमें तो गेमिंग हो नहीं सकती, अब इसकी स्टोरेज फुल है सब कुछ। तो अभी लेले चला लेते हैं, अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, 2 बज चुके हैं यार, और अभी घर चलेंगे फिर खाना खाएंगे फिर बाकी देखेंगे क्या होता है। तो आज हम आपको एक नई शख्सियत से मिलाना चाहते हैं, हमारे तारक महमूद साहब, ये हमारे बचपन के दोस्त हैं। और भैया क्या हाल है आपका? बस ठीक। हाँ, और बकरियाँ कितने दे रही हैं?
बकरियां तो अमन के जमाने में बहुत टाइम पहले मतलब 5-6 साल पहले इसकी एक बकरी होती थी छोटी सी, तो ये बोलता था जब ये बच्चा देगी वो मैं तुझे दे दूंगा। आज 5-6 साल और इसने उसके कोई 20-30 बच्चे बेच चुका है उसके, मतलब उसको पेंचर कर दिया लेकिन मेरी छली नहीं आई आले तक। थोड़ा तो शर्म कर, कोई शर्म कर। और दादा ब्याह क्या दिया मिसा दोस्ती कुछ ना लानी है तो दोस्ती तो साथी में हार बुआ पूरे 220 रुपये ना ठीक है। बाकी नोट में कट दी इंसान, बाकी बात बीड़ी है इंसान चाहिए, बीड़ी पीनी चाहिए कि नहीं तू क्या नहीं बीड़ी सेहत वास्ते ठीक नहीं रहनी। अच्छा ठीक नहीं रहनी, पीनी चाहिए नहीं, नहीं ना पिया। और यार मैं आ रहा ना पैसे छपाई तो बीड़िया ही तो पीनी है और क्या करना। हाँ यार मैं बड़ा चाह है तेरे ब्याह ना, तेरे ब्याह भी ढोल बजने वा ना, मैं उस ढोले पर तार सिर रखी कुटा सर बाद में पता चला के वो थी पड़खी। तू लारे लांदी रही ओए होए ते मैं कपड़े धोंदा रिया आए हाए, तू चूना लांदी रही आए हाए ते मैं साबन लांदा रिया। बुए वलाई बाड़ना सूरा कुवारापन की हद हो गई मुर्शिद, कपड़े भी आप धोने पड़ते हैं है तारा साहब। तुझ क्या आना चाहते हो कपड़े तू लेने पा रही? कपड़े तो नहीं जा रही है, क्या ब्याह करना चाहिए? हाँ ब्याह करो लाड़ी कपड़े तो जाए बिल्कुल। तो पहले मैं सोच रहा था आज का व्लॉग मैं कैसे पूरा करूंगा, लेकिन ये बंदा जो पीछे कपड़े धो रहा है ना इसकी वजह से मतलब मेरी रील भी बन गई व्लॉग भी बन गया, मतलब बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए ये। तो अभी इनको मैंने वापस लाया यहाँ पे साइड में खड़ा किया धूप में, उफ एकदम ऐसे कर रहे थे यार। तो अभी इनको लेकर चलते हैं और बांधते हैं, बहुत हो गया इनका। तो अभी इनको इनके ठिकाने पे हमने पहुंचा दिया और अभी हमारा एक काम इसी के साथ ख़त्म होता हुआ, अभी हम चलते हैं थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं लंच करने के बाद। तो अभी हम लंच करके बैठे हैं अपने इन कीड़ों के ऊपर। ये देखो मैं कैसा दिखा हुआ, ये सीमा रेखा के बाहर किए मैं बाल 6 रन के लिए तो ये मैंने इसलिए बाहर किए हैं बिकॉज ये मैं रफ़ पे लिखता हूँ ऐसे, तो फिर जब उसको यहाँ पे लिखता हूँ तब सही से लिखता हूँ। बट ये जो पेन है ना ये वाला पेन दूसरा है, ये मैं अलग पेन से लिखता हूँ, ये मैं अलग पेन से लिखता हूँ, और इसलिए मेरा राइटिंग अलग अलग हो जाता है यार। और ये मेरा कुछ राइटिंग लीथ सा, ये फिर सही है रफ वाला इससे मेरे हिसाब से, आपको कौन सा सही लग रहा है कमेंट में बताओ। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ, बाकी मेरे पास है ही नहीं है, बस थोड़ा सा ये लिख लेते हैं और फिर सोते हैं यार आराम से। तो अभी हमने कुछ इतना सा लिखा है, आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है कमेंट में बता देना। और ये जो पेन है ना ब्लैक, अभी ब्लू जो है वो थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन ये जो ब्लैक है ना ये बहुत रफ सा है, मतलब बहुत ज़ोर लगता है इससे लिखने में। और बाकी ब्लू आस्ता आस्ता ठीक हो रहा है, देखो शुरू में कैसा था राइटिंग, अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है आस्ता आस्ता, देखते हैं मैं भी ठीक ही हो जाए पूरा। तो यार एक मसला हो गया, मैं संतरा खा रहा था ना इसका, ये देखो ये गिर गया मेरी इतनी मुश्किल से लिखा था यार, अभी सुखा दूंगा यार, मैं दोबारा तो नहीं लिखूंगा। तो अभी मैं मार रहा हूँ थोड़ी सी रेस्ट में, थोड़ी सी रेस्ट कर लेता हूँ फिर बाकी वाला लिखता हूँ, यही थोड़ा सा बाकी मेरे पास है नहीं, और साथ में ये जो बीक गया ना इसको सुखा रहा हूँ यार, वो भी छाऊँ में रख के इतना नहीं लाऊँ मैं, मुझे पता ही नहीं कि इसको धूप में रखना है यार, उसको मैं धूप में कर देता हूँ, अभी सूखने दो इसको फिर हम लिखते हैं। और यहाँ पे मेरे जो साथ बैठे हुए हैं ना ये व्लॉग देख रहे हैं यूट्यूब पर पता नहीं किसके, तो सामने इतना बड़ा व्लॉगर महान हस्ती बैठे हैं, तो लोगों ने व्लॉग तक नहीं, ऐसे शर्म नहीं सी अपनी, अपने व्लॉग तक क्या करो अपने। यार इसको बंद कर देते हैं, अभी मुझे नींद आ रही है, पहले मैं सो लेता हूँ या फिर उठ के लिखूंगा थोड़ा सा अगर लिखने हुआ तो, अदरवाइज कल लिख लेंगे कोई मसला नहीं। तो हेयर इज द सिकल सेवनम और ये रही कनक, और अभी हम थोड़ी सी काट लेते हैं और लेलू को डालते हैं बिकॉज उसके बाद मैंने उनको चराया नहीं है। और देखो यार पिछले साल इसी सीजन में मैंने कॉमेडी शुरू की थी कनक काटते काटते कि सभी की तरक्की होगी, पर मेरी नहीं हुई, मैं कनक ही काट रहा हूँ। तो आज एक साल हो गया पर सफ़र सही था, अभी काट लेता हूँ और फिर देखते हैं आगे व्लॉग का। तो अभी इनको डाल दिया, अभी ये मारें चिल और खाएं, तब तक हम अपनी एक रील और साथ में इस व्लॉग को एंड कर लेते हैं। आज मैंने इनको बहुत ज़्यादा डाल दिया इसलिए ये गिरा रहे हैं नीचे यार, बट कोई मसला नहीं खा लेंगे, और तब तक हम शूट कर लेते हैं और फिर आके इनको अंदर बांधते हैं यार। तो फाइनली मैं आ चुका अपने छत पे और यहाँ पे अब साया ना मतलब छऊँगा ना, तो इसलिए देखो मेरा सब कुछ सही सही साफ साफ दिख रहा है, जब धूप होती है तब सही नहीं दिखता। और यहाँ पे मैं इस व्लॉग को एंड करूँगा बिकॉज अब इससे आगे हमने कुछ करना ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा आपको ऐसे लटका के रखने का। ये शर्ट मैंने चेंज की थी कि मैं रील बनाऊँगा, पर मैं इस खोपड़े में कुछ भरा ही नहीं है, क्या बनाऊँ मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही, चलो मैं सोच लूँगा सबसे पहले। फिर मैंने सोचा रील से पहले मैं इस व्लॉग को एंड कर देता हूँ, या ना रील के चक्कर में व्लॉग
भी रह जाए और बाद में रील भी ना बने, व्लॉग भी ना बने, इसलिए व्लॉग हम यहीं पे करते हैं। एंड आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। आज का व्लॉग मैंने सही से सही बनाने की पूरी कोशिश की थी और कल इससे भी ज़्यादा कोशिश करूँगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक का बटन दबा देना। अगर आपने पूरी नहीं देखी तो शुरू से लेकर आज तक पूरी देख लेना और अपने दोस्तों तक शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले। तो ठीक है, फिर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना ताकि जल्द से जल्दी 7K सब्सक्राइबर पूरे हों हमारे, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करके भी सब्सक्राइब करवाना ताकि सपोर्ट हमें मिलता रहे। ठीक, और हमारी जो पीछे वाली जितनी भी वीडियोज आपने मिस करी हुई हैं वो सभी जाके देख लो और उनको भी ऐसे ही सपोर्ट बरसाना। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए मजदा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू सब।